पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नालंदा में दौरा किया। इस दौरान आपको बता दें कि मुस्तफ़ापुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सीएम को सलाह देते हुए आरसीपी सिंह ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के बाद ताड़ी व्यवसाय से लोग जुड़कर परेशान है। सीएम की जिद के कारण राज्य को भारी नुकसान हो रहा है, ये जिद अब उनको राजहित में छोड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी के कारण बिहार में आने वाले पर्यटक दिन भर बिहार में घूमने के बाद रात को दूसरे राज्यों में जाकर बिताते हैं। अभी सरकार है दो माने कई चार पार्ट सात पार्टियों की सरकार बता रहे हैं, लेकिन जो मेन पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल। आप सब जानते हैं कि इनका मर्जर होने वाला है, पक्का मर्जर होने वाला है। मर्जर होने वाला है तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री को चिंता सिर्फ अपने बारे में है कि मर्जर के बाद भी हम ही कैसे मुख्यमंत्री बने रहें। तो उसमें अभी बीजेपी कहाँ पिक्चर में आती है, पिक्चर तो आपसे में है ना भाई, आपस में ही पहले क्या था। अब जरा देखिए पहले आरजेडी की क्या पॉलिसी थी, शराबबंदी पर ही, और सरकार में आते ही चुप हो गए। तो भाई कॉम्प्रोमाइज सब लोग कर पा रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, इसमें तो बीजेपी कहीं आने, बीजेपी तो आपके विपक्ष में है अभी, तो बीजेपी को उसमें कहाँ पिस रहे हैं, पिस तो इनके आपस में उसके पिस रहे हैं ना भाई। जिसके खिलाफ सब दिन लड़े, नीतीश बाबू की राजनीति क्या रही है जी, आप सब जानते हैं उनकी तो राजनीति आरजेडी के विरुद्ध की रही है ना, ये तो उनकी राजनीति रही है। तो आज वो क्या भाषण देंगे जनता के बीच में जाकर के बता दीजिए, जरा किसके खिलाफ बोलेंगे, जनता उनसे पूछेगी ना कि आपने ये कहा, ये क्या हुआ अभी। इसलिए तो आप देख रहे हैं कितना दुर्भाग्य है जी, जहाँ भी जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है। आपने देखा ना नालंदा में आए, कुश्यामा गांव में वहाँ आए, ओरियामा के लोगों ने किस बात का विरोध किया कि हत्या हो गई और गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अब लोगों को सड़क पर तख्ती लेकर के मुख्यमंत्री के सामने आना पड़ रहा है और आप वहाँ जनता के दरबार बुला रहे हैं, क्या बुला रहे हैं। देखिए आपका बेसिक जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, ये मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए। और इसलिए ख़त्म हुआ कि बेसिक को आपने छोड़ दिया, आप चले गए कहाँ। अब फिर तो संगति का भी तो प्रभाव पड़ता है जी, हम लोग थे तो उनको कम से कम बताते रहते थे, अब जिनके साथ हैं तो क्या करा रहे हैं, अपने पैर में उनको पैर छोड़ नतमस्तक करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि काउंटिंग का इंतजार मत कीजिए और जो हारता है वो इसी तरह का आरोप लगाता है। उपेंद्र कुशवाहा ने लालू प्रसाद यादव की सेहत को लेकर कहा कि हमने लालू यादव और रोहिणी आचार्य दोनों को शुभकामनाएं दिया है, रोहिणी आचार्य ने तो इतिहास लिख दिया है। वहीं अखिलेश सिंह के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि वो सक्रिय नेता है, इससे महागठबंधन में और मजबूती आएगी। जो हारता है वो इसी तरह का आरोप लगाता है, इससे अब स्पष्ट है कि अब आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिए। अब काउंटिंग के दिन का इंतजार नहीं करना, रिजल्ट प्रकाशित है। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती जिसमें महागठबंधन जीतता हुआ नहीं दिखता तो बीजेपी के लोग उस तरह से नहीं बोलते, इसका मतलब सीधा है कि महागठबंधन की जीत पक्की है।